नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 40 इयर्स है और इनका एक लाइन का सवाल है, कौन से उम्र से मेरा भाग्योदय होगा? तो बहुत शॉर्ट टाइम में आपका अच्छा खासा भाग्योदय होने वाला है। वो जब मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब उसके बारे में बताऊँगा। अब इस पाम को देखें तो यहाँ पर एक अच्छी सी लाइन बन रही है। जब भी ये लाइन बनती है तो मैं हमेशा कहता हूँ, व्यक्ति बहुत समझदार होता है और जो जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रैब कर पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखे तो ये एक रेक्टेंगल पाम है, ये थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है, ये एक रेक्टेंगल पाम है। व्यक्ति या तो बैठे बैठे कार्य करता है या बोल कर कार्य करता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, कार्य के प्रति जिद्द भी रहती है व्यक्ति की, तथ्यों के साथ अपनी बात बताने में भी ये लोग माहिर होते हैं। और इतना ज़्यादा बड़ा स्पेस हो तो व्यक्ति का अच्छा खासा समय लोगों को लॉजिक के साथ बात बताने में अच्छा खासा समय जाता है इनका, ये एक माइनस पॉइंट रहता है इनमें। उंगलियां छोटी है, जब इस तरह की उंगलियां होती है तो व्यक्ति बहुत स्पीड में निर्णय लेता है और ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा रहती है, ये भी एक खासियत रहती है। इनके चारों माउंट अच्छे हैं तो बेसिक जो जीवन स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है व्यक्ति का। जब ये चारों माउंट अगर बेसिक आपके व्यवस्थित है तो जीवन स्तर काफ़ी उन्नत रहता है। गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी लग रही है, थोड़ी भी अगर बड़ी होती है तो व्यक्ति को ईगो का प्रॉब्लम बहुत रहता है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति हर्ट होता है और ये खुद ही उसकी तकलीफ उठाते हैं। जिसको बोल पाते वहाँ तो ठीक है, नहीं बोल पाए तो अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं जब इस तरह की उंगली रहे। पर ये लीडरशिप क्वालिटी जरूर देती है अगर ये बड़ी है तो। फर्स्ट फैलेंज बड़े हैं इनके तो ये बहुत स्पीड में प्लस माइनस निकालकर निर्णय लेने वाले व्यक्ति होंगे। ये बहुत रेयर साइन होती है, या तो उंगलियाँ छोटी होती है और फैलेंज छोटे होते, बहुत स्पीड में निर्णय लेता है, या उंगलियां बड़ी होती है और फैलेंज बड़े होते तो व्यक्ति स्लो भी होता है और निर्णय बहुत एनालिटिकल पर्सनालिटी होती है। पर यहाँ पर इनमें दोनों गुण होंगे, बहुत स्पीड में भी निर्णय लेते होंगे प्लस एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होंगे, तो ये एक रेयर साइन होती है, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। इनके थर्ड फैलेंज काफ़ी चपटे है यानी सपाट है, तो इस तरह के लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं। यहाँ पर छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, तो जब ये उंगली और आपका अंगूठा व्यवस्थित है तो आप जीवन की आधी जंग तो ऐसे ही जीत लेते हो, यानी आम लोगों से एक बेसिक सफलता तो इजीली व्यक्ति प्राप्त करता है ये दो उंगलियों के भरोसे ही। और जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत भी काफ़ी अच्छा है और उस पर खड़ी लाइनें, ये लाइनें भी व्यक्ति को व्यापार कुशल बनाती है, दिखने में सुंदर होता है व्यक्ति, बोलने की कला इनकी अच्छी खासी रहती है, व्यापार की समझ प्लस बेसिक विज्ञान टेक्नोलॉजी की बेसिक समझ अच्छी खासी रहती है। मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति साइंस का स्टूडेंट ही होता है या टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट होता है, जहाँ पर भी रहा, जो भी कार्य करता होगा उसमें विज्ञान से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिक ज्ञान इनमें अच्छा खासा रहता है। ऐसे लोग जब बुढ़े भी हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो ये लोग टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागते। आप लोगों ने जीवन में कई बार देखा होगा कितने उम्र दराज लोग, अगर जैसे मोबाइल की बात करूं, 1100 नंबर का मोबाइल आया जब नोकिया का फर्स्ट टाइम, तो लैंडलाइन से उन्होंने उस मोबाइल को यूज़ करना सीखा और वो भी कितना गले में बांध के रखते थे, हाय हेलो और बातें करने तक, फ़ोन लगाना होता तो वो नहीं लगा पाते थे। और जब स्मार्टफोन आया तो भी आज भी वो उसी तरह के फ़ोन में, नोकिया 1100 टाइप के फ़ोन से ही आज भी वो चिपके हुए, क्योंकि उनको वो टेक्नोलॉजी से टच में नहीं होते। तो उनका आप बुध पर्वत देखोगे तो आपको उभार वाला नहीं दिखेगा
और ऐसे उम्र दराज लोग भी मिलेंगे जिनका बुद्ध पर्वत आपको फुला हुआ मिलेगा, तो वो देखना, वो अगर 85 ईयर्स के भी है, 85 ईयर्स के भी है, तो वो भी स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, यानी इतना फर्क रहता है, टेक्नोलॉजी से अवेयर होते हैं। एक लाइन से हटकर मैंने ये चीज़ें बताई आपको। अब यहाँ पर सूर्य रेखा है और ये लगभग एक्टिव हो रही है उम्र के 60 साल के आसपास, 59 के आसपास से ये एक्टिव हो रही है, और यहाँ इस समय के बाद ये कंफर्टेबल इनकम अपने जीवन में करते रहेंगे। अब यहाँ पर एक त्रिशूल साइन का भी दर्शन हो रहा है, एक ये रेखा निकली यहाँ से, एक और ये एक। जब ये त्रिशूल साइन होती है तो व्यक्ति धार्मिक भी बनता है और साथ साथ में ये साइन पैसा भी देती है और यश भी देती है और ट्रिमेंडस धार्मिक बनाती है। तो ये सारे साइन इनके हाथ में अवेलेबल है। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है और इस तरह से बड़ी बनी हुई है, तो जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टियाँ भी ये निर्माण करेंगे या खरीदेंगे। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा रहता है और बेसिक नॉलेज के भरोसे व्यक्ति ज़्यादा उन्नति भी करता है। प्लस इन लोगों को पूछ पूछ कर काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस तरह की पूछ पूछ कर काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। यहाँ पर थोड़ा सा उभार है तो सुबह उठने में थोड़ी सी तकलीफ इनको होती होगी, पर उसके बाद पूरा दिन एक्टिव रहता होगा, पूरा दिन। और यहाँ पर कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, कंटिन्यू, तो ये एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छी खासी इनकम इनके पास आती रहेगी। हाँ, इनका जो बीच का दौर गया है वो मैं फेट लाइन पर बताऊंगा, बीच का जो दौर गया है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, पर आगे जो दौर आने वाला है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है और कंफर्टेबल अच्छी इनकम अपने जीवन में ये करेंगे। अब इनके गुरु पर्वत को देखें तो ऐसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा उभार है, पर जब भी यहाँ पर उभार होता है तो व्यक्ति को पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होता है, पारिवारिक समस्याएं भी व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है। इसका उपाय मैं इनको दे दूंगा, बहुत आसान उपाय है। और यहाँ पर एक कंटिन्यू खड़ी लाइन जा रही है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा कर रही है, और गुरु पर्वत इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, और रेखा है इस तरह से चल रही है, तो बीच बीच में अलग अलग सोर्सों से मल्टीपल इनकमें इनके जीवन में आती रहेगी, कोई 8 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, इस तरह से मल्टीपल इनकमें इनके पास आती रहेगी। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का लग रहा है, अगर ये दबने से दबता होगा, यानी कोई लोखंड की तरह या लकड़े की तरह कड़क नहीं होता, पर अगर थोड़ा सा भी कड़क होगा तो शरीर की एनर्जी अच्छी खासी होगी, और अगर थोड़ा सा नरम होगा तो शरीर की एनर्जी मध्यम होगी, क्योंकि इलाका काफ़ी अच्छा मिला हुआ है तो एनर्जी तो रहेगी। भारी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती रहते हैं। दूसरी खासियत होती है, जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखें तो चंद्र पर्वत भी अच्छा है, और इनकी ये लाइन भी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, तो ज़्यादातर देखा जाता है जब जीवन रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाती है और चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति विदेश में भी सेटल होता है, पर इनकी फेट लाइन में ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा। जीवन रेखा अगर चंद्र पर्वत पर जाती है तो हो सके तो इनको अपने जन्मस्थल से दूर चले जाना चाहिए, तो वहाँ विकास अच्छा होता है, और ये विदेश में भी जाना चाहेंगे तो ये जा पाएंगे, अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें तो ये विदेश में सेटल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी चंद्र रेखा पूरी घूम रही है, और जिसका चंद्र पर्वत अच्छा होता है वो रहता अच्छा है, इनके ऑफिसों के और घर के फर्नीचर भी अच्छे होते हैं। अगर ये लोग जब भी पैसा कमाते तो घर भी अच्छा बनाते और इनकी जो ऑफिस होती है वो भी अच्छी बनती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, अच्छे परचेसर होते हैं, जो चीज़ परचेस करते हैं वो वैल्यू फॉर मनी होती है। ये सारे लक्षण इस चंद्र पर्वत से मिलते हैं, और यहाँ पर
जीवन रेखा पर इस तरह से फोक बना हुआ है, तो जीवन में यात्राएं भरपूर रहेगी इनके। अब रहा सवाल मनी ट्रायंगल का, तो एक मनी ट्रायंगल इनके यहाँ पर बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है। मनी ट्रायंगल छोटा है, तो जब मनी ट्रायंगल छोटा होता है तो व्यक्ति के पास हार्ड कैश की हमेशा कमी रहती है। जो कमाता वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है तुरंत के तुरंत, बहुत घाई से। यानी इनके घर से अगर 10 लाख निकालने हो तो इनके नहीं निकलेंगे, ये जैसे ही थोड़ा सा पैसा कमाया कहीं ना कहीं रोक देते, इन्वेस्ट कर देते, इस तरह की मानसिकता इनकी रहती है। अब शुक्र पर्वत अच्छा है और साथ में गुरु पर्वत भी अच्छा है, तो दोनों मिलकर अच्छा लाभ व्यक्ति को जीवन में देते। जब आपका शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो आपका जो रहन सहन होता है वो अच्छा रहता है, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, गर्मी पसंद नहीं आती, थोड़े से कामुक रहता है व्यक्ति, प्लस लाइफस्टाइल उसकी काफ़ी अच्छी स्थिति में रहती है। तो ये सारे लक्षण शुक्र पर्वत से मिलते हैं और इनका शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा और साथ में गुरु का भी साथ मिला है, तो दोनों मिलकर इनके जीवन में अच्छी खासी उन्नति देने वाले हैं। अभी तक दी भी है और आगे भी देंगे। अब इनकी हृदय रेखा पर चलते, हृदय रेखा के 2-3 रूप है। एक रेखा यहाँ से निकल के इस तरह जा रही है, जब ये रेखा इस तरह से जाती है तो 2-3 लाभों की ओर इशारा करती है। एक तो ससुराल पैसे वाला मिलता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला आता है, या व्यक्ति के जीवन में पॉलिटिकल अप्रोच होता है, पॉलिटिकल जान पहचान भरपूर रहती है, या व्यक्ति को सरकारी लाभ होता है, या व्यक्ति खाने का शौकीन होता है, या व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। ये इतने सारे संकेत ये एक लाइन देती है। और इनकी हृदय रेखा पूरी गुरु पर्वत से टच होकर ये सीधी चल रही है। जब इस तरह से हृदय रेखा रहती है, एक यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है, तो दुखी भी होंगे तो थोड़ी देर दुखी होते, उसके बाद खुशी ढूंढते। और जब इस तरह की इतनी गुरु पर्वत की ओर जब जाती है आपकी हृदय रेखा, तो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनते, बहुत सिस्टम से चलने वाले लोग होते। इतने बजे उठना, इतने बजे खाना खाना, इतने बजे ये कार्य करना, एक सिस्टम बना ली रहती है। और आदर्शवादी भी भरपूर रहते, बचपन से कोई ना कोई आदर्श बना लिए रहते, हमें तो इसी तरह जीना है। उसमें जरा सा भी बदलाव आया तो ये डिस्टर्ब हो जाते। और घर में भी इस तरह की हृदय रेखा के कारण टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। दाल आई या सब्जी आई, थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा होती तो मज़ा आ जाता, थोड़ा सा ये होता तो मज़ा आ जाता। यानी एक्सपेक्टेशन लेवल इनकी बहुत ज़्यादा रहती है, उसके कारण घर के लोग पेड़ नहीं होते, वो परेशान होते इन लोगों से। पर ये कमर्शियल लेवल पर ये सक्सेस दिलाती है, क्योंकि ये सिस्टम से चलने वाले लोग होते हैं। हाथ के नीचे के लोगों से भी ये अच्छा अच्छी तरह से काम ले पाते, क्योंकि ये भी अच्छा काम करने वाले लोग होते। तो ये दोनों प्लस माइनस साथ में चलते हैं। और इनकी हृदय रेखा काफ़ी डार्क है, ये कभी अपना जीवन उत्तम रूप से नहीं जी पाएंगे। पैसा कमा लेंगे सब कुछ, पर झंझट मारिया भरपूर रहेगी। सुबह आँख खुलते ही झंझट मारिया शुरू होती होगी, रात को सोने तक झंझट मारिया रहती होगी, चाहे परिवार की हो, काम की हो, कोई ना कोई झंझट मारी इस तरह के हार्ट लाइन वाले को रहती है। एक समय तो ऐसा आएगा इनको ऐसा लगेगा कि मैं मेरे लिए जी रहा हूँ कि किसी और के लिए जी रहा हूँ, ये लेवल तक की सोच इनकी बन जाती है। कहीं घूमने भी गए तो केवल शरीर जाता है, मन कहीं और होता है। ये एक बहुत यानी परेशान करने वाली स्थिति होती है जब इस तरह की हृदय रेखा होती है, तो व्यक्ति अपनी लाइफ नहीं जी पाता, बहुत झंझटें रहती है व्यक्ति के जीवन में। सेम इनकी माइंड लाइन भी देखे तो इसी तरह की है, है गुरु पर्वत से शुरू हो रही है और सीधी चलकर ऊपर की तरफ देख रही है। तो जब ऊपर की तरफ देखती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाने में ब्रिलियंट होता है, और कोई ना कोई ऐसा उसके पास ज्ञान रहता है जिसके कारण वो अर्निंग ज़्यादा करता है। और माइंड लाइन बड़ी है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, बहुत बुद्धि चातुर्य होता है, 5 मिनट भी फालतू नहीं बैठते, कोई ना कोई ज्ञान लेते। और गुरु पर्वत से शुरू होती है तो महत्वाकांक्षी भी होते और महत्वाकांक्षा पूरी भी करते। पर यहाँ पर देखे तो इनकी टोटल माइंड लाइन डार्क कलर की है। ऐसे लोगों को सिंपल याद नहीं रखता, मैं ये नहीं कहता कि इनकी याद शक्ति कमज़ोर होती है, इनके याद करने का जो तरीका रहता है वो लॉजिक के साथ याद रहता है।
आप सिंपल रट्टा मरवा दो, इनसे रट्टा नहीं मारा जाएगा। इनको लॉजिक के साथ कोई भी चीजों को याद रखना पड़ता है, तब याद रहता है। मेमोरी कोई कमी नहीं रहती, मेमोरी पावरफुल रहती है, पर लॉजिक के साथ इनको ज्वाइंट करना पड़ता है। यानी कोई गली में समझो आप गए, तो उस गली को याद रखना है, तो उसके दुकान के बाहर कोई बोर्ड होगा उस गली के, वहां उस बोर्ड को वो याद रखेंगे कि यहां से ये गली शुरुआत हुई, उस नाम को याद नहीं रखेंगे कि ये बोर्ड है, एक्स नाम की दुकान है, वहां से राइट लेना है, ये इस तरह से याद रखेंगे, या एक्स वाई जेड रोड पर जाना है, इस तरह से इनको याद नहीं रहेगा, वो एक्स दुकान का बोर्ड इनको याद रहेगा, ये इस तरह से याद शक्ति रहती इनकी। आपको लेकर प्रॉपर जाएंगे, पर तरीका इनका वो रहता है। तो ये इस तरह की, और झंझटें भी व्यक्ति के जीवन में भरपूर रहती है, ये अपना फ्री जीवन नहीं जी पाते। अब इनकी जीवन रेखा पर, पूरी जीवन रेखा पर बहुत सारे ऑफशूट भी गए, इनको काफी प्रोग्रेस भी जीवन में प्राप्त हुई होगी, और अभी वर्तमान समय में एक 38 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, इस पीरियड में अच्छी खासी इनको आर्थिक नुकसान गई होगी। एक अभी वर्तमान समय 40 एज में एक रेखा ने काटा, तो ये दो पीरियड इनको परेशान कर रहे, पर उसके बाद कोई भी कट नहीं है इनके जीवन रेखा पर, कहीं पर भी कट नहीं दिख रहा है, ये केवल यहाँ पर टच कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, ये रेखा क्रॉस नहीं कर रही है, आगे फिर यहाँ पर एक रेखा कट कर रही है, बहुत साल के बाद, लगभग 12-13 साल के बाद एक कट कर रही है, इसके अलावा कोई कट है ही नहीं। तो केवल ये दो कट इनके जीवन में आए और ये परेशान हुए होंगे, और आर्थिक नुकसान भी इनको अच्छा खासा गया होगा, 38 और 40 के अंदर, 38 में बहुत ज़्यादा गया होगा, 40 में भी गया होगा, क्योंकि राहु रेखा व्यक्ति को कोई ना कोई आर्थिक नुकसान देती जरूर है। और जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, और यहाँ से अमुक शाखाएं भी चल रही है, तो कभी ना कभी विदेश यात्रा के मौके भी इनको जीवन में मिलते रहेंगे। और ये रेखा जब फोक बनता है तो यात्राएं भी भरपूर करता है व्यक्ति जीवन में। अब इनकी फेट लाइन पहले यहाँ इसी फोटोग्राफ से समझते, उसके बाद क्लोजअप में जाएंगे। ये जीवन रेखा से शुरुआत हुई, यानी खुद की मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ता है और जीवन को सफल बनाता है, पहली चीज। अब इसी रेखा पर एक 34 के आसपास कट आया, 34 से जो इनके जीवन में स्लो डाउन आया होगा, यहाँ से शुरुआत हुआ, 34 तक ये अच्छा खासा जीवन जी रहे होंगे, 34 के बाद एक 36 में छोटा सा कट दिख रहा है, एक 37-38 के आसपास दिख रहा है, और एक 40 के आसपास दिख रहा है, ये इतने कट इनको परेशान कर रहे। अब इनके क्लोजअप पर जा रहे, अब इन्होंने जो शब्द पूछा है कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, तो इनका बहुत निकट में है अच्छा समय, ये इनकी फेट लाइन, ये देखिए आप, ये 34 से लेके यहाँ से एक अलग लाइन चालू हुई, और उस पर ये 38 के आसपास बहुत बड़ा कट लगा, और ये लगभग ये 40 गिने इसको, क्योंकि ये जब क्रॉस में रेखा होती है तो उम्र गिनने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती होती है, अगर ये 41 भी गिने इसको, 41 के आसपास एक कट है, और उसके बाद ये यहाँ से इनकी फेट लाइन बहुत मजबूत बन रही है, ये उम्र होगी और इसके बाद भी है, ये अच्छी रेखा है यहाँ से, तो यहाँ से उन्नति इनकी चालू हो जाएगी, उम्र लगभग 40 के बाद ही समझो ये उम्र उन्नति, क्योंकि ये 40 के आसपास ही कट लग रहा है, और इसी समय इनको आर्थिक नुकसान भी गया होगा, थोड़ा सा क्रॉस होने के कारण इस तरह से ऐसा लगता है कि ये 41 के आसपास होगा, पर मेरे हिसाब से ये 40 होना चाहिए, और 40 के बाद ये सीधी अच्छी खासी रेखा इनकी आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर एक और व्यवसाय इनके द्वारा शुरू होने वाला है, और वो धीरे धीरे उन्नति देता देता लगभग 45-46 के आसपास अच्छी खासी उन्नति देना शुरू करेगा, और ये जो व्यवसाय जो ऑलरेडी कर रहे ये तो अभी से ही स्पीड पकड़ेगा, ये राहु रेखा
कि कट के बाद ये स्पीड पकड़ना चालू हो जाएगा और एक दो साल के बाद तो अच्छी खासी रफ्तार आनी चालू हो जाएगी। और यहाँ से एक और व्यवसाय 56 से शुरू होगा और ये पूरा व्यवसाय 44-45 से स्पीड पकड़ेगा और एक समय ये ट्रिमेंडस ग्रोथ देगा। जैसे जैसे बुढ़े होते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्रोथ देते जाएगा। एक और व्यवसाय इनका चालू होगा लगभग 46-47 के आसपास, वो भी उन्नति देगा। और एक और व्यवसाय चालू होगा लगभग 60 के आसपास और ये भी उन्नति देगा। और इस तरह से बुढ़ापा अच्छा खासा इनका निकलेगा। और ये जो साइन बन रही है जो उस फोटोग्राफ में नहीं दिखी थी, ऐसे लोग धार्मिक रूप से डिफरेंट सोच वाले होते हैं। इस फिश साइन का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ये धार्मिक रूप से व्यक्ति को डिफरेंट बनाता है। इनकी जो धार्मिक सोच होती है वो कंप्लीट अलग होती है। ये अपनी पत्नी भी इनकी समझ नहीं पाएगी इनकी सोच को, और इन्होंने समझा भी दिया तो वो पहले तो ये समझा नहीं पाएंगे, अगर समझा भी दिया तो उनके पल्ले भी नहीं पड़ेगा, यानी किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसी डिफरेंट सोच होती है। तो ये काफ़ी अभी ये बस ये लास्ट मौका है, इसके बाद ये अच्छा खासा उन्नति करने वाले, तो काफ़ी बेस्ट फार्म है और कई जगह से इनकम इनके जीवन में आएगी। और जैसे जैसे बुढ़े होते जाएंगे, ओल्ड एज होती जाएगी, वैसे वैसे ये उन्नति करते रहेंगे, पर खर्च का पैमाना अच्छा खासा जीवन में रहेगा। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।